नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल गियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के टाइटल से, आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अभी तक 16,51,00,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड इशू हो चुका है और सरकार का लक्ष्य है लगभग 50 करोड़ लोगों तक ये सुविधा पहुँचाना है। जी हाँ, ESIS के लाभार्थियों को अब मिलेगा आयुष्मान भारत के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका नाम आ चुका है आयुष्मान लिस्ट में और आप कैसे चेक कर सकती हैं कि आपका नाम है या नहीं, आपको सब डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। और अगर आप बनवाना चाहते हैं, आप अगर आप गरीब है और आपकी आमदनी, आप BPL परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ऑलरेडी आपका जो कार्ड बन चुका है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं या BC कैटेगरी से हैं लेकिन गरीब है और आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो वो कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नज़दीकी CC सेंटर, अगर आपके पास CSC ID है या CSC सेंटर है, तो उन भाइयों के लिए बता दें कि वो अपनी CSC ID ओपन करें। और CSC ID ओपन करने के बाद लॉगिन करें और यहाँ पर आपको CSC ID ओपन करना है और आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने आयुष्मान भारत की एक ऐसी वेबसाइट होगी, लॉगिन पैनल होगा। यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आपको मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालना है, जनरेट OTP करना है, तो आप आगे फर्दर विजिट करेंगे और वहाँ से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप CSC ID चलाते हैं तो आपको अपनी ID लॉगिन करनी होती है, जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और लॉगिन करने के बाद आपको आयुष्मान भारत के टैब पर जाना होता है, जैसे कि मैंने लॉगिन कर दिया, मैं दोबारा से पासवर्ड लॉगिन कर रहा हूँ। और कैप्चा कोड आपको डालना होता है, कैप्चा कोड आप डालिए और साइन इन आप करेंगे। तो जैसे कि थोड़ा पासवर्ड में मिस्टेक हुआ तो मैं दोबारा से मुझसे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है वो आपका लॉगिन हो चुका है, शायद कोई सर्वर इशू चल रहा है, कोई ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो ऐसे आपका जो पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड आपके सामने होगा। ये सिर्फ CSC सेंटर वालों के लिए है। अगर आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करवा रहे हैं, CSC सेंटर वालों को नहीं पता तो आप ऐसे बता सकते हैं। यहाँ पर आपको आयुष्मान सर्च करना है, AYU सर्च करेंगे तो आयुष्मान भारत 01 सबसे ऊपर होगा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आयुष्मान भारत 01 की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी आपको नाम पता डालना होता है। अगर ये डाल लेंगे तो आपका सीधा लॉगिन हो जाएगा। कंफर्म करना है आपको CSC ID और यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट आपको देना होगा। फिंगरप्रिंट मशीन आपके पास होनी चाहिए, तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जिसके बाद वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइस मैंने नहीं लगा रखा क्योंकि मैकबुक में सपोर्ट नहीं करता। तो उसके बाद क्या होता है कि आप किसी भी बेनिफिशरी जिसका ऑलरेडी नाम है चेकआउट कर सकते हैं, उसका जो है आयुष्मान कार्ड के लिए, गोल्डन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन कार्ड उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये फैसिलिटी आप अगर आपके पास वैलिड CSC ID है तो ये आप उठा पाएंगे। अदरवाइज आप अगर पर्सनली तौर पर चेक करें तो इस वेबसाइट से आप लॉगिन कर ये चीज़ें देख सकते हैं। टेम्प्रेरी आयुष्मान कार्ड भी इस वेबसाइट से आप लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और या आप जो है आयुष्मान भारत की एप्लीकेशन यानी एंड्रॉइड ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने आयुष्मान कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। जुड़े रहिएगा टेक्निकल गियर के साथ, बने रहिएगा।